पुणे में ड्रग्स लेते युवकों का वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन एक्शन में है। पुणे नगर निगम ने अलग अलग जगहों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। पिछले दो दिनों में बड़े बड़े बार और लाउंज को ध्वस्त कर दिया गया है। पुणे में एक बार फिर बुलडोजर वाला एक्शन जारी। पोर्शे कार हादसे के बाद अनधिकृत बार और पब पर कार्रवाई हो रही है। इसके बावजूद देर रात पार्टियों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। कुछ पार्टियों में ड्रग्स लेने का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस प्रशासन पर एक बार फिर सवाल खड़े हो रहे हैं। ड्रग्स हे कसे अत्यंत त्याचे विपरीत परिणाम होऊ शकते आणि त्यांचे आणि पोलिसांनी मिळून समाजाचे नागरिक आणि पोलीस मिळून अशा प्रकारची मोहीम कसे प्रकारे राबवायचे आहे त्या विषयावर विस्तृत चर्चा झाली। दो दिनों पहले सामने आए वीडियो में दो लोग ड्रग्स का सेवन करते हुए पाए गए, जिसके बाद पुलिस ने आठ लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस की कार्रवाई के बाद पुणे नगर निगम ने अनधिकृत बार और पब के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी। आज अलग अलग जगहों पर आठ पब और लाउंज पर जेसीबी चलाई गई। पिछले तीन दिनों में 188 अनधिकृत बार को नोटिस जारी किए गए। कल हमने बालेवाड़ी हाई स्ट्रीट पे जो है होटल से वहाँ पे कार्रवाई की है। उनका जो एरिया है वो लगभग 11,500 स्क्वायर फुट है। आज भी हमने कार्रवाई चालू की है। आज हमने एफएम बार जो बाड़मेर में है वो लगभग 12,000 चौरस फुट है और इसको बार जो है 10,000 चौरस फुट पे आज कार्रवाई चालू की है। ये कार्रवाई आगे जब तक लोग अनधिकृत कार्रवाई अनधिकृत काम करेंगे तब तक चालू रहेगी। पुणे नगर निगम और पुलिस के साथ एक्साइज विभाग भी एक्शन में है। अनधिकृत पबों पर छापेमारी की जा रही है, उन्हें सील किया जा रहा है। फिलहाल पुणे में करीब 70 अनधिकृत बार और पब को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया गया है और उनके लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं। हमारे राज्य उत्पादन शुल्क विभाग की तरफ से जिस बार पे कुछ अनियमितता मिलती है वो हिसाब से हमारी कार्रवाई शुरू है और माननीय जिलाधिकारी साहब के आदेश से उसके ऊपर बाद में अगले आदेश प्राप्त होने के बाद उसके हिसाब से कार्रवाई होती है। पुणे में नशे के बढ़ते कारोबार ने पुलिस प्रशासन से लेकर सरकार तक की नींद उड़ा दी है। विपक्ष सरकार को घेर रहा है तो सरकार बड़ी कार्रवाई का भरोसा दिला रही है। सवालों और भरोसे के घालमेल में नए नए वीडियो हैरान कर देते हैं। पुणे में ड्रग्स के वीडियो मिलने के बाद वायरल होने के बाद अभी क्राइम ब्रांच ने कार्रवाई शुरू कर दी है, लेकिन पुणे में जो इल्लीगल पब्स और बार है उन्हें गिराने का काम पीएमसी ने मतलब पुणे के म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने भी शुरू कर दिया है। अभी हम बाड़मेर के स्थित बालेवाड़ी हाई स्ट्रीट में है जहां एस्कोबार नाम का ये एक इल्लीगल पब था जहां पालिका कार्रवाई कर रही है। आज सुबह से ही 37 ऐसे अलग अलग पब्स और बार हैं जहां पुणे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने कार्रवाई कर दी है और उन्हें सीधा ढेर कर दिया गया है। और आप ये अभी पुणे में बुलडोजर का जो कल्चर है वो फिर से एक बार सामने आ रहा है। दिन भर ये कार्रवाई चलती रहेगी ऐसा पालिका के अधिकारियों ने अब तक कहा है। कैमरा पर्सन गोपाल हरने के साथ में ओमकार वाबले, पुणे आज तक।